हे हाय फ्रेंड्स, होप सो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू वीडियो में। और आज आप सबके लिए फिर से मैं एक न्यू सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ। आज मेरे साथ है दीपक शर्मा, एंड आज दोनों शर्मा जी हैं यहाँ पे। तो होप सो कि ये वीडियो आपको बहुत ही मोटिवेशन दे। एंड बेसिकली दीपक का कैंपस में बहुत सारी कंपनीज में शॉर्टलिस्टिंग हुआ, बट इन्होंने क्यों कैंपस नहीं ज्वाइन किया, क्यों किसी भी कंपनी को एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन नहीं किया। सुनते हैं दीपक की स्टोरी और होप सो कि आपको ये वीडियो लाइफ में एक मोटिवेशन और एक गाइडेंस दे कि आपको अपना करियर कैसे डिसाइड करना है। सो ये हाय दीपक, हाउ आर यू? हेलो सर, आई एम वेरी गुड। हाउ अबाउट यू सर? या आई एम ऑल्सो डूइंग ग्रेट। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माई प्लेटफॉर्म एंड शेयरिंग योर जर्नी। वेल, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी सर, सो आई वुड लाइक टू थैंक टू यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस व्हाट आई एम एंड हाउ कैन आई शेयर माय जर्नी विद ऑल। राइट, थैंक यू। सो दीपक, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? So I was born in West Bengal, sir, Asansol, and then I was brought up in Odisha. I did my schooling from Odisha, graduation, post graduation, everything in Odisha, sir. Now I am currently employed in Pune, Maharashtra. ओके ग्रेट। सो दीपक, मेरा ये क्वेश्चन है कि आफ्टर 10th, जैसे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हो, तो व्हाई यू हैव चूजन कॉमर्स एज ए कैरियर एट द टाइम? वेल, देयर इज अ वेरी गुड स्टोरी बिहाइंड दैट। एक्चुअली क्या हुआ था, 10th में मेरे स्कूल के अंदर में हमें ऑप्शन चूज करना था साइंस और कॉमर्स के बीच में। तो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था बायोलॉजी की तरफ, आई वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर। बट मेरे जो ट्यूशन के प्रोफेसर टीचर थे, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि इसमें कैसा है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर लगने वाला है, ये पढ़ाई इतनी सस्ती नहीं है। एंड उस वक्त घर के हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, राइट, फाइनेंशियल कंडीशन वॉज नॉट दैट गुड। सो इस चक्कर में उन्होंने मुझे बोला कि इसको कॉमर्स पढ़ाओ। वेल, मुझे हमेशा से ऐसा रहता था कि मुझे किसी भी चीजों में डाल दो, मुझे मेरा बेस्ट देना है, राइट। तो 11th 12th में मैंने कॉमर्स चूज करा, वहां पे मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। अकाउंटिंग वाज समथिंग दैट आई वाज लाइकिंग लाइक एनीथिंग। उसके बाद में कॉस्ट अकाउंटिंग वाज आल्सो अ सब्जेक्ट जो मैंने क्लास 12th में ही पढ़ लिया था, एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग में आता था, राइट। फिर मुझे ग्रेजुएशन करना था, ग्रेजुएशन के लिए बीकॉम करना था। मेरे सिटी के अंदर में बहुत सारे कॉलेजेस थे सर, बट मुझे इंटरेस्ट था रेवेंशा यूनिवर्सिटी में, जो मेरे घर से 450 किलोमीटर अवे था। तो मैं वहां पे गया कटक में, कटक डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। वहां पे जाकर के रेवेंशा यूनिवर्सिटी में मैंने अपना बीकॉम कंप्लीट करा। सो बीकॉम करने के बाद मैं मुझे रियलाइज हुआ करते करते रियलाइज हुआ एक्चुअली कि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है टीचिंग में। तो मैं बीकॉम के बाद मैं एमकॉम, फिर एमफिल एंड पीएचडी भी करूंगा, राइट। तो उस तरीके से मैं प्रोफेसर वाली जर्नी में चलने को निकल गया था। बट somehow later on मैं वीडियो में बताऊंगा कि सीएमए फिर मैंने कैसे चूज करा बीकॉम के दौरान, राइट। सो और लाइक आपने जो अपना ग्रेजुएशन किया था, राइट, आपने रेगुलर से किया था? रेगुलर 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 सर, ओके 75% अटेंडेंस वाज मस्ट इन माय या यूनिवर्सिटी। राइट राइट यस, राइट। सो जब आपने रेगुलर से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, एंड आफ्टर दैट यू हैव फर्दर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाओ, या फिर एमबीए के लिए जाओ, या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के साइड मूव ऑन करो, सो देन व्हाई यू हैव चोजन राइट। सीएमए एज ए करियर आफ्टर दैट? और आपको सीएमए के बारे में मालूम कैसे हुआ? ट्रू सर, मालूम तो ऐसा चला कि 12th के बाद में मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे जो अच्छे थे स्टडीज में, दे ऑल वेंट फॉर सीए, राइट। वन और टू वेंट फॉर सीएमएस। तो बट मेरा तो क्लियर था कि मुझे प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर बनना है। तो सीएमए सीए आई वोंट बी गोइंग इन दैट एरिया, आई विल बी डूइंग बीकॉम, एमकॉम, एमफिल, पीएचडी। बट ये बात है 4th 7th सेमेस्टर की, इन सेकेंड ईयर ऑफ बीकॉम 4th सेमेस्टर में मैं क्लास में एक्चुअली एक दिन बैठा हुआ था। मेरे मैथ्स के प्रोफेसर आकर के रैंडमली मुझे पूछते हैं कि तू क्या कर रहा है, व्हाट इज योर यू नो पाथ, तुम क्या करने वाले हो लेटर ऑन जाकर के। सो आई सेड हिम कि सर मुझे बीकॉम के बाद में एमकॉम करना है, फिर पीएचडी करूंगा, लेक्चरर बनूंगा, आप जैसे पढ़ा रहे हो मुझे ऐसा पढ़ाना है। फिर उन्होंने सजेस्ट करा कि देख, मेरी खुद की इस एज में आकर के भी परमानेंट जॉब नहीं लगी है, और लेक्चरशिप पढ़ाना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट इफ यू आर लुकिंग इट लाइक यू नो फाइनेंशियल परस्पेक्टिव से अगर तुम देखते हो तो इतना ज्यादा रिवॉर्डिंग नहीं होगा कॉलेज का प्रोफेसर अगर होते हो, क्योंकि कॉलेज में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। पीएचडी के बाद में भी इट इज नॉट कि आपको वहाँ पे परमानेंसी मिल जाएगी, राइट। उसके लिए भी काफी सारे एग्जाम्स होते हैं, ये वो। ही सेड मी, अगर तुझे पढ़ना ही है तो तू प्राइवेट मोड्स में जाकर के प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोल करके पढ़ा सकता है, अगर पढ़ाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो। बट ओनली विद बीकॉम एंड एमकॉम दैट विल नॉट हेल्प यू, सो ट्राई टू ऐड वन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, बी इट सीए बी इट सीएमए, राइट। तो दैट वॉज लाइक आई ओपनर फॉर मी कि मैं क्या कर रहा था, मैं क्या प्लान करके बैठा था, बीकॉम, एमकॉम, एमफिल, पीएचडी करूंगा, 7-8 साल मैंने तो प्लान कर रखा था। और सर कह रहे कि इसको करके कोई फायदा ही नहीं है, इतना ज्यादा रिवॉर्डिंग नहीं होगा।
फिर मैंने रातों रात प्लान बनाया सर। फ्रेंकली घर गया, हॉस्टल में रहता था, रातों रात प्लान बनाया। सुबह उठ के मेरा रूममेट देखता है मेरे दीवार पर ऐसा लिखा हुआ है कि सीए में ऐसे ऐसे इससे सेटअप में ये मेरे को क्लियर करना है। नाउ अभी सर ऑप्शन सीए और सीएमए में था। जैसा मैंने आपको बताया कि ये चीजें जो हुई ये फोर्थ सेमेस्टर में हो रही थी, तो मेरे हाथ से ऑलरेडी 2 साल जा चुका था राइट। अगर मैं वहां से सीए स्टार्ट करा रहता तो मुझे फिर वो 3 साल की आर्टिकलशिप वाले रूट से जाना पड़ता, तो लेटर ऑन मेरे को सीए क्लियर करते करते बहुत ज्यादा टाइम लग जाता जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाता। तो सीएमए मैंने देखा कि मेरे अटेम्प्ट के लिए 6 महीने की आर्टिकलशिप वॉज मैंडेटरी, उतने करने के बाद में फाइनल दे सकते हो राइट। उसके बाद में आप जॉब करो बट दैट विल बी काउंटेड एज योर आर्टिकलशिप और ट्रेनिंग। तो मेरे को लगा ये ज्यादा वायबल ऑप्शन है, सीएमए करते हैं। बट फिर अगेन उसके लिए मेरा कॉलेज रेगुलर था, उसके लिए मैं कोचिंग्स वगैरह कुछ ले नहीं सकता था। मैं सोचा कि बीकॉम खत्म होने के बाद डायरेक्टली सीएमए इंटर में कूद सकते हैं, बट मैं बोला 1 साल क्यों कटना, फाउंडेशन अभी से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपना सबसे पहला अटेम्प्ट फाउंडेशन का दिया था जून 2019, हाँ 2019 में। तो मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, हार्डकोर सेल्फ स्टडी। इट वाज लाइक अ कीक वॉक, बहुत इजीली हो गया। 330 स्कोर था मेरा आउट ऑफ 400, तो सिटी का टॉपर था। इवन ओडिशा में भी आई थिंक फर्स्ट और सेकेंड रैंक रहेगा मेरा, तो बहुत अच्छे से हो गया वहाँ पे। फिर अब बात आई सर इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट करने के लिए अगेन मेरा रेगुलर कॉलेज था, थर्ड ईयर चल रहा था, मैं कहीं बाहर सिटी में जा नहीं सकता था। कोलकाता वगैरह में लाइव लेक्चर लेने के लिए मैं जा ही नहीं सकता था, कॉलेज परमिट नहीं करता। तो फिर मैंने अपने सिटी के एक लोकल प्रोफेसर से पढ़ाई करी, कुछ सब्जेक्ट उनसे पढ़ा और मैक्सिमम सब्जेक्ट की पढ़ाई मैंने सेल्फ स्टडी करी से। क्योंकि बीकॉम करते करते जो मेरे अंदर में पढ़ाने का कीड़ा था कि पढ़ाना है, तो उसके लिए सेल्फ स्टडी आई थिंक इज द बेस्ट थिंग। किसी से पढ़ा के आप उतना ही सीख सकते हो जितना उनको पता है। आप अगर सेल्फ स्टडी करते हो तो आपके बहुत सारे इनपुट निकलते हैं, क्वेश्चंस निकलते हैं, आप फिर उनके लिए रिसर्च करते हो। तो वो मेरे को आदत लग गई थी सेल्फ स्टडी करने के लिए, इसलिए मैंने इंटरमीडिएट बहुत सारे पेपर आई थिंक 4 या 5 पेपर सेल्फ स्टडी से ही निकाले। फिर कोविड आ गया बीच। कोविड आने के बाद में मेरा जो अटेम्प्ट था, जैसा मैंने आपको बताया कि फाउंडेशन 2019 में कंप्लीट हो गया था, तो 2020 में जून में मेरा इंटरमीडिएट ड्यू था सर। तो मैं उस टाइम पर दे ही नहीं पाया था क्योंकि कोविड के कारण में मेरा अटेम्प्ट जो है वो ये हो गया था, पोस्टपोन्ड हो गया था। तो दिसंबर में पोस्टपोन्ड होने के बाद में मैं क्या कर रहा था, मैंने अपनी प्रिपरेशन तो कर ली थी उस 1 साल के अंदर में, मैं रेडी था जून 2020 के लिए इंटरमीडिएट के लिए। बट सर ये 6 महीने में मैं अब क्या करूं, तो इंस्टीट्यूट ने भी बोल दिया कि आपको जो एग्जाम होगा वो फिजिकल मोड में होगा नहीं, वो ऑनलाइन मोड में होगा। मैं बोला ये क्या चल रहा है, अभी मैंने 1 साल से प्रिपरेशन करी है, पेन एंड पेपर में वो स्केल से सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स कंप्यूटेशन अमाउंट करके फॉर्मेट बना के मैंने प्रैक्टिस करा। अब सर ये कहते हैं इंस्टीट्यूट की अब ऑनलाइन मोड में होगा, वहां पे कैसे चलने वाला, कंप्यूटर मैंने इससे पहले इतने ज्यादा चलाया हुआ नहीं था, कीबोर्ड पे नंबर्स मेरे को लेटर्स मेरे को याद नहीं है, राइटिंग हैबिट नहीं है। और सबसे वर्स्ट पार्ट था सर, मैंने अपना लैपटॉप ने हॉस्टल में छोड़ के घर चले आया था, और कोविड में मेरे पास लैपटॉप तक नहीं था प्रैक्टिस करने के लिए। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, बट मैंने बोला कि अगर मुझे कॉन्सेप्ट पता है ना 100% नहीं, तो मैं 70-80% लिख के तो आ सकता हूँ, इतना भी बुरा नहीं होगा मेरे साथ। बट उस 6 महीने के पीरियड में सिंस मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, बस रिवीजन ही बाकी था। तो मैंने क्या करा, पढ़ाना चालू कर दिया, छोटी सी यूट्यूब चैनल भी खोली, वहां पे रेगुलरली वीडियोस डालता था, और अपने कॉलोनी के ही जो बीकॉम के बच्चे थे और 11-12 के बच्चे थे उनको भी बुला करके अपने घर पे या फिर उनके घर जा करके प्रॉपर वे में पढ़ा रहा था। तो वैसा देखा जाए तो उस 6 महीने के अंदर में मैंने अपने लिए पढ़ाई करी ही नहीं सर, है ना, मैंने दूसरों को ही पढ़ाया। और कहीं ना कहीं वो पढ़ाने के कारण में मेरी चीजें जो है, मेरी कॉन्सेप्ट जो वो और ज्यादा क्लियर होती गई राइट। अब आया दिसंबर का अटेम्प्ट भी, वो थोड़ा 1 महीने से पोस्टपोन होकर के जनवरी में शिफ्ट हुआ। जनवरी मैंने अपना बोध ग्रुप दिया। बहुत ज्यादा इंसिडेंट हुए, जैसे लॉ के पेपर में मैं पढ़ के गया हूँ, सेल्फ स्टडी करके गया हूँ, मुझे आंसर आते हैं, बट मेरी टाइपिंग बहुत ज्यादा खराब होने के कारण में बहुत सारे आंसर मेरे से छूट रहे थे। इवन आईडीटी के पेपर में भी मेरे से बहुत सारा आंसर छूट गया आते हुए। क्योंकि कैसा होता है ना सर एग्जाम हॉल का, अगर मैं आपको इंसिडेंट बताऊं, तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मेरे साइड में एक बंदा बैठा हुआ है, लेफ्ट साइड में एक और बंदा बैठा हुआ है। अब उनको पता नहीं आंसर आ भी रहा है या नहीं, वो जिस तरीके से टाइप कर रहे थे वो देख करके मेरा मोरल डाउन हो रहा था कि यार ये कैसा टाइप कर रहा है, और मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लिख भी पा रहा हूँ कि नहीं, व्हाट एम आई डूइंग। तो वो बहुत ज्यादा यू नो डिमोटिवेटिंग था, बट समहाउ आई मैनेज माय सेल्फ एंड मैं बोला कि दीपक करते हैं, कितना बन पड़ा करा मैंने। तो उस टाइम पे भी सर स्कोर बहुत अच्छे थे, सिंस आई सेड यू कि मेरे को कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के बहुत ज्यादा मतलब स्पेशल यू नो स्पेस है मेरे हार्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग एज ए सब्जेक्ट को लेकर के। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत भी करी थी। इनफैक्ट सर आई वुड टेल यू कि इंटरमीडिएट में मेरा टारगेट था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दीज आर द पेपर जिसमें मेरे को बहुत ज्यादा मजा आता है, आई ट्राई टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100। फ्रेंकली उस तरीके से मैंने मेहनत भी करी थी। मैंने बी कॉम के बुक्स कंप्लीट करे, कॉस्टिंग के, एफ एम के, एम कॉम के कंप्लीट करे, सी इंस्टीट्यूट के भी उठा के काम करे, सी एस के भी मॉड्यूल सॉल्व करे, सीएमए के तो मैं कर ही चुका था, एंड टू एंड मैंने करा। मैं बोला कि इस बार 100 चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग में। पेपर बहुत अच्छे गए थे कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में भी, बट आई थिंक थियोरी में कुछ मार्क्स कटने के बाद में आई सिक्योर 95 मार्क्स एंड 90 मार्क्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 89 मार्क्स इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग।
सर वॉइस नहीं आ रही सर. सॉरी, 95 इन कॉस्ट अकाउंटिंग राइट, एंड यस सर 90 इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट्स यस ग्रेट. यस. तो मैंने बोला कि ठीक है, आप 100 सिक्योर तो नहीं हो पाया, बट ठीक है, जो है बेटर है, मतलब काफी अच्छा स्कोर रहा. अब उसके बाद अगेन सर, मैंने इंटरमीडिएट कंप्लीट तो कर लिया था, बट अगेन मेरे को पता था कि मेरे को सीएमए बनने के बाद में भी पढ़ाना है. पढ़ाने का जो मेरे अंदर में पैशन है वो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ लेटर ऑन जाकर के. तो मैंने क्या इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद अपने इंटरमीडिएट जब आपने जी कंप्लीट किया विद हाईएस्ट मार्क्स ऑफ दिस टू सब्जेक्ट्स, तो आपका आपका क्या बोथ ग्रुप था या सिंगल सिंगल ग्रुप आपने दिया था? बोथ फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाइड सर. या बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट, तो कुछ रैंक्स ये सब भी आए आपके? सर रैंक के लिए आई वुड टेल यू 23 या 27 मार्क्स से मेरा रैंक निकल गया सर. ओके ओके, कोई नहीं. बहुत 660 मैंने सिक्योर करा था, 616 मार्क मैंने सिक्योर करा था. मेरे अटेम्प्ट में आपको याद भी होगा सर, थोड़ा पासिंग परसेंटेज काफी ज्यादा हाई हो गया था, 52% था. तो उस चक्कर में कंपटीशन बहुत ज्यादा था, तो वहां पे मेरा रैंक रह गया. ओके, बट फिर सर मैंने या कंटिन्यू, यू कैन कंटिन्यू. फिर सर ऐसा या फिर मैंने सर इंटरमीडिएट के बाद में ऑफ कोर्स आर्टिकलशिप वाज समथिंग दैट आई हैड टू गो थ्रू. बट मैंने बोला कि ठीक है, अभी आर्टिकलशिप करनी तो है, बट मेरे को टीचिंग को भी देखते हैं. अब जब मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग में 95 सिक्योर करा सर, फ्रेंकली पूरे सिटी में हल्ला हो गई, कटक सिटी में. एंड मेरे कॉलेज के प्रोफेसर भी बहुत ज्यादा डिलाइटेड हुए इस चीज को सुन करके कि यार तेरा 95 आया. मैंने भी बोला कि सर सेल्फ स्टडी करी थी काफी हद तक, और आप लोगों ने जो पढ़ाया वो काफी हेल्प हुआ. तो उन्होंने मोटिवेट करा कि तो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा सकता है. तो सर मैंने इंटरमीडिएट के बाद बाद अपने सिटी में ही एक छोटा सा सेंटर लेकर के, टीचिंग कोचिंग सेंटर थी, उनके साथ में पार्टनरशिप करके मैंने उनसे रेंट पे एक रूम ले लिया. वहाँ पे सीएमए इंटर एंड सीए इंटर के बच्चों को कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट तीन पेपर मैंने पढ़ाना चालू किया. सर यू वॉन्ट बिलीव, फर्स्ट वेव खत्म हो गया था, सेकंड वेव के बाद में कॉलेजेस स्टार्ट हुए थे, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट ही करी थी. तीसरे दिन लेक्चर इतना अच्छा जा रहा था एंड सडनली दोपहर को नोटिफिकेशन आता है कि सेकंड वेव आ रहा है, यू हैव टू शट डाउन योर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. तो ये राइट हुआ सर, राइट, मुझे इतना ज्यादा बुरा लगा कि यार मैंने अभी तो स्टार्ट करा है और फिर ये हो रहा है. तो वैसा हुआ सर, फिर कॉलेजेस भी बंद हो गए, मेरे इंस्टीट्यूट भी जो खुली थी अभी 3 दिन बाद ही बंद हो गई, राइट. फिर मैं सबको रैप अप करके वहां से फिर घर चले आया, राइट, कि सेकंड वेव चल रही है करके. तो मैंने सोचा कि अब मेरे को लगता नहीं है कि अभी सेकंड वेव कब जाएगा, और तब तक के लिए हाथ पे हाथ धर पे बैठा रहना वाइबल नहीं है. तो एक काम करते हैं, मैं वैसे अपने ट्रेनिंग को थोड़ा सा पुश कर रहा था कि हाँ लेटर ऑन कर लेंगे, बट अब करते हैं होलिस्टिकली, ठीक है. तो फिर मैंने ढूंढना स्टार्ट किया, वहीं उड़ीसा के अंदर में यू मस्ट बी नोइंग सर, कोल इंडिया की एक सब्सिडरी है महानदी गोल्डफील्ड लिमिटेड एमसीएल, वहां पे उनको रिक्वायरमेंट थी सेमी क्वालिफाइड की एज एन इंटर्न ऑडिटर. तो मैंने 6 महीने वहां पे काम किया. तो 6 महीने काम करने के बाद में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे वहाँ पे, बिकॉज इट वॉज एन इंटरनल ऑडिट, तो मुझे प्रोसेस समझने का मौका मिला वहाँ पे मौत कि मिला. चीजें कैसे वर्क करती है. जो हमने पढ़ाई किया इंटरमीडिएट लेवल में वो कितना ज्यादा प्रैक्टिकल है, उसकी वैल्यू सर मुझे कोल इंडिया में पता चली गई थी कि दिस डिग्री इज वेरी डिफरेंट. जो हम पढ़ के आ रहे हैं इट इज यूज हो रहा है यहाँ पे, वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वही टैक्सेशन लॉज, वही कंपनी लॉ, वो फैक्ट्रीज एक्ट, सब कुछ एप्लीकेबल है एज इट इज. तो हम जो पढ़ते हैं एग्जाम पास करने के ऑब्जेक्टिव से वैसा नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकली पढ़ना चाहिए. बिकॉज इंटरमीडिएट के तुरंत बाद आप जब जाने वाले हो इंडस्ट्री के अंदर में, बहुत ज्यादा यूज पड़ी नहीं वो पढ़ाई की. तो वो चीज चल रही थी सर, 6 महीने बीत गए, सब कुछ अच्छा चल रहा था. फिर सडनली मुझे जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं करेंटली काम कर रहा हूँ वहां से एक दिन कॉल आया पार्टनर का, दैट वी हैव सीन योर सीवी ऑन naukri.com, सो वुड यू लाइक टू ज्वाइन, वी हैव अ वैकेंसी इन इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट. आई सेड यस ऑफ कोर्स सर. उन्होंने 45 मिनट्स का मेरा टेलीफोनिक इंटरव्यू ले लिया था. मैंने इंटरव्यू क्रैक करा, तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे ऑफर करा. फिर मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं कैसे जाऊं पूना, उड़ीसा से पूना जाना मेरे लिए बहुत टफ था सर, पेरेंट्स को मनाना सबसे ज्यादा टफ था, ठीक है. एंड सेकेंडली सर उस बीच में मेरा एमकॉम भी मैंने स्टार्ट कर लिया था सेम यूनिवर्सिटी से, क्योंकि मेरे को बताया सर मैंने कि मेरे को पीएचडी वगैरह भी करनी थी, तो एमकॉम तो मस्ट था. मैंने एमकॉम भी स्टार्ट कर दिया था, इधर पेरेंट्स भी मना करेंगे, मुझे पूना से ऑफर भी आ गया, मुझे जाना भी है. तब मैंने एक दिन ट्रेनिंग के दौरान आपको कॉल लगाया था सर, आई डोंट नो आपको याद भी होगा कि नहीं, वो दोबारा 2 साल हो गई है. फिर आपने मुझे बहुत गाइड करा था, आपने मोटिवेट भी करा कि नहीं पूना जाना बहुत अच्छा होगा, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, काम सीखने का मौका मिलेगा, डोंट लुक आफ्टर द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, जस्ट इतना मिल जाए आपको कि आप वहाँ पे रह सकते हो तो डेफिनेटली यू शुड गो. तो बहुत ज्यादा सहमत हो इस बात से, और फिर मैंने कन्विंस करा पेरेंट्स को, फिर उन्होंने तो अलाउ कर दिया. बट उसके बाद में फिर से वेब्स आनी स्टार्ट हुई, तो मेरा जो यूनिवर्सिटी था वो फिर से बंद हो गया. तो मेरा एमकॉम का जो 1.5 साल था वो तो ऑनलाइन में ही निकल गया, ऑनलाइन एग्जाम देते देते निकल गया लकीली. फिर मैं पूना शिफ्ट हुआ सर, पूना शिफ्ट हुआ अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन में. जब आया तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व करा, पहला ही इनका जो ऑडिट, जो पहला क्लाइंट जिस पे उन्होंने मुझे प्लेस करा था बाकी टीम के साथ में, वो उनकी सबसे बड़ी क्लाइंट थी, राइट. उनका टर्नओवर विल बी अराउंड 1500 करोड़,
तो वहां पे मैं जब गया और उनका जो मैंने लेवल देखा आर्टिकल्स का, मैं बहुत ज्यादा फैसिनेटेड था। मैं बोला हम तो कहीं भी स्टैंड नहीं करते, इनकी एक्सेल इतनी अच्छी मूव कर रही है, इनको एसएपी का इतना अच्छा एक्सपोजर है, टैली का इतना अच्छा एक्सपोजर है, आर्टिकल शिप पीरियड में हम तो यार स्टैंड नहीं करते, बहुत मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पर रुकना है। तो मेरे पार्टनर ने मुझे समझाया कि टेंशन मत लो, तुम्हारा थ्योरेटिकल नॉलेज इतना अच्छा है, तुम इतने अच्छे से पढ़ाई करके आए हो, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा सीखने के लिए, जस्ट हैव ट्रस्ट ऑन यू। तो मैंने थोड़ा 6 महीना बहुत ज्यादा वर्क करा सर, और लकीली 6 महीने के बाद में एक अच्छा लेवल अचीव हुआ। पार्टनर्स ने खुद बुला करके बोला कि हाँ ठीक है, यू आर गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन, बट हाउ, थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। तो ये सब चल रहा था सर, और मैंने पूना ज्वाइन करके, पूना में जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसको ज्वाइन करे हुए 1.5 साल हो गए थे, जिसमें मैंने बहुत सारे इंडस्ट्रीज में काम करा सर, मैन्युफैक्चरिंग में काम करा, सर्विस इंडस्ट्री में काम करा, एफएमसीजी में काम करा, डीलरशिप, कार की जो डीलरशिप होती है उसमें काम करा, बहुत सारे इंटरनल ऑडिट मैंने करा, बहुत सारे आउटस्टेशन ऑडिट होते थे, 2-3 ऑडिट्स को मैंने लीड भी करा कुछ आर्टिकल्स के साथ रह करके। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा था सर मुझे। फिर इस बीच में सर फ्रेंकली एक बहुत बुरी बात ये हुई कि मैंने भूल गया कि मेरे को मेरा फाइनल का एग्जाम भी देना है। मैं पढ़ाई तो चल रही थी बट भूल ही गया इतने काम के चक्कर में कि हाँ मुझे फाइनल भी देना है। इस बात को 1.5 साल बीत चुके थे, और मैंने उस 1.5 साल के अंदर मैं 3 ही पेपर की कोचिंग लगाई थी सर, पेन ड्राइव मोड में। मैंने लगा ली थी कॉस्ट अकाउंटिंग की, जो हमारा फाइनल का कॉस्टिंग है उसकी मैंने कोचिंग लगाई थी, बट उसमें भी मेरा 70-80% कंप्लीट हुआ था। मैं ये सारी चीज इसलिए बता रहा हूँ सर क्योंकि इसमें जो मैंने गलतियां करी वो ज्यादा हाईलाइट होकर के आनी चाहिए, जो लेटर ऑन जो हमारे अभी एस्पायरेंट्स आएंगे जो सीएमए को ज्वाइन करेंगे वो ये गलतियां ना करें, इसलिए मैं गलतियों को ज्यादा हाईलाइट करके बता रहा हूँ सर। वो 1.5 साल के पीरियड के अंदर में जो सबसे पहली कोचिंग मैंने ली थी वो ली थी अपनी कॉस्टिंग की, जो कि इंटरमीडिएट के रिजल्ट के 12 दिन के बाद ही मैंने ले ली थी। मुझे पता था मेरा इंटरमीडिएट क्रैक होने वाला है, तो मैंने वेट नहीं करा रिजल्ट आने का, मैंने कॉस्टिंग की कोचिंग ले ली थी। उसको भी मैंने 70-80% कंप्लीट करा, 20% सर एक्सपायर हो गया क्योंकि काम के चक्कर में कंप्लीट नहीं कर पाता था। फिर मैंने डीटी के लेक्चर लिए, डीटी लेक्चर में भी मैंने 70-80% कंप्लीट किया, वो भी 20% एक्सपायर हो गए, राइट। थर्ड मैंने एसएफएम में किसी एक ऐसे फैकल्टी से कोचिंग ले ली थी सर, जो मतलब बहुत, मतलब मुझे बिल्कुल उनके पढ़ाने का स्टाइल अब्सॉर्ब नहीं हो रहा था, मैं डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था वो क्या पढ़ा रहे थे। ही माइट बी गुड इन हिज एरिया बट मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा वाइब नहीं आई। तो मैंने क्या करा, 40-50% पढ़ने के बाद मैं पूरे लेक्चर को डिलीट कर दिया। मैं बोला ये मेरा बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है, अब मैं क्या करूं। फिर मैंने वही सोचा सेल्फ स्टडी करते हैं, और यूट्यूब में भी काफी अच्छे अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल थे सर कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के, इफ नॉट द क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स वेयर अवेलेबल। और मैंने बोला सेल्फ स्टडी की मुझे आदत है ही, मैं करता हूँ, हो जाएगा। तो ग्रुप वन के अंदर मैं ये 3 कोचिंग्स मैंने ली, और लॉ के लिए मैंने मुनीष भंडारी सर की बुक मंगवा ली थी, वो मैं थोड़ा थोड़ा रीड करते रहता था। ग्रुप टू के अंदर में मैंने एक भी कोचिंग नहीं ली सर, राइट। अब सडनली क्या हुआ, 1.5 साल बीत गए थे, लास्ट के 6 महीने थे, लास्ट के 6 महीने के अंदर मैंने बोला इतना सारा वॉल्यूम बाकी है कैसे होगा। फिर मैंने कुछ अपने एक दो दोस्तों से बात करी, मुझे आज भी याद है सर, मैं उड़ीसा गया हुआ था एक फॉरेंसिक ऑडिट पे, उसको लीड कर रहा था, वहां पे रिजल्ट आया हुआ था मेरा, एक फ्रेंड का ग्रुप टू कंप्लीट हो गया था, मतलब वो सीएमए बन गया था, प्रद्युम्न मिश्रा, और एक फ्रेंड है जोहे भूषण जो इस साल अभी आईटीसी होटल डिवीजन में प्लेस हुआ है। भी उन लोगों उसका ग्रुप वन क्लियर हो चुका था, अभी उन लोगों ने जब मुझे बताया कि यार उनका क्लियर हो गया, तो मैं इतना ज्यादा खुश हुआ, ऐसा लगा कि मेरा ही क्लियर हो गया, मैं ही सीएमए बन चुका हूँ। बट मुझे लेटर ऑन रियलाइज किया कि मेरे सारे फ्रेंड्स हैं ये भी काम पे फोकस कर रहे हैं, हाँ माइट भी इतने लेवल का काम नहीं है तो थोड़ा पढ़ने का ज्यादा टाइम मिल जाता होगा, बट मुझे पढ़ाई के कारण में मेरा पढ़ाई मतलब काम के कारण में मेरा पढ़ाई बहुत ज्यादा निग्लेक्टेड हो रहा है सर, दैट इज व्हाट आई फेल्ट दैट डे। तो मैंने फिर उसी दिन ठान लिया कि नहीं, दिसंबर 2022 टर्म में एग्जाम देना है, मतलब देना है। फ्रेंड्स ने बोला कि तेरे पास 2-3 महीने हाथ में बच रहे हैं, तेरा इतना ज्यादा वॉल्यूम खाली है, तू पढ़ ही नहीं पाएगा, सवाल ही नहीं है, एक ग्रुप दे, रिस्क मत ले, एक ग्रुप देकर के निकाल दे, दूसरा ग्रुप जो है सेकंड ईयर में दे देना। मैंने बोला यार ये तो नहीं होगा मेरे से, मतलब इट इज ये सर, इट वॉज लाइक आई ओपनर कि मैं ऑलरेडी 1.5 साल बिता चुका हूँ और मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, मैं सीख बहुत अच्छा रहा हूँ, बट अल्टीमेटली डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, अदरवाइज आप सेमी क्वालिफाइड बन के रह जाओगे, एंड सेमी क्वालिफाइड कुछ नहीं होता, राइट। आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, मतलब चाहिए आगे बढ़ने के लिए। लेकिन तो सीएमए की डिग्री पे अब मेरा फोकस आया, मैं बोला ठीक है। उस बीच में मैंने अपने पार्टनर को कन्विंस करा मुझे छुट्टियां चाहिए होंगी, बट उन्होंने बोला कि तुम्हारे साथ अग्री हो चुका था कि फाइनल के लिए तुम्हें 2 मंथ की छुट्टी मिलेगी, मतलब 2 मंथ ग्रुप टू पूरा पेंडिंग है। ग्रुप वन के अंदर में मैंने लॉ पढ़ना चालू भी नहीं किया, बाकी 3 पेपर के 50-60-70% मैंने कोचिंग करी हुई है, और उनके रिविजन मैंने स्टार्ट भी नहीं करे, कैसे होगा। और उन्होंने समहाउ मेरे को बोला कि नहीं देखो दिस इज हाउ इट वर्क, मैंने भी बोला चलो ठीक है ट्राई करते हैं। तो सारे फ्रेंड से थोड़ा थोड़ा सजेशन लिया, पर सुना खुद की, मुझे पता है कि मुझे करना है तो करना है, सबने मना करा कि नहीं होगा 2-3 महीने के अंदर में, बट मैंने बोला ट्राई करते हैं। तो सर मुझे नवंबर 2022 के 8 तारीख से छुट्टी मिल गई थी, अब वहां से लेकर के मैं घर चले आया, पूना से वापस राउरकेला चले आया उड़ीसा अपने घर, तो वहां पे घर पे बैठ करके 8 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करी। उसके बीच में मैं जो सेल्फ स्टडी कर सकता था करा,
मेरा हमेशा से सर ऐसा प्रैक्टिस रहता है कि मैं 60-70% किसी भी सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से इनडेप्थ एनालिसिस करके पढ़ लूँ, कि उस 60-70% में से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए मुझे आते हैं, right? वो मैंने ट्राई करा इस बार भी, इंटरमीडिएट में भी मेरा यही स्टाइल था पढ़ने का और फाइनल में भी यही था। और मैंने बोला 30-40% को थोड़ा लिबरल वे में रखते हैं, उसमें भी एबीसी एनालिसिस कर लेंगे, बट 70% शुड बी लाइक कि मेरे को ये 40 तो दिला रहा है, राइट? सो दैट इज हाउ मैंने अपने सिलेबस को बाइफर्केट करके पढ़ा। और फ्रेंकली एग्जाम का डेट आ गया, 5 जनवरी 2023 को मेरा पहला एग्जाम था लॉ का, और सारे पेपर के अंदर में भी 70-80% कंप्लीट हो चुका था। 20% वाज स्टिल समथिंग की जो मेरे को थोड़ा थोड़ा डाउट था कि यही हुआ या नहीं हुआ है। मॉक टेस्ट पेपर मैंने नहीं लिखा सर, टाइम नहीं हुआ मेरे पास में, मैं नोट्स नहीं बना पाता था, डायरेक्टली बुक से पढ़ता था। हाँ, मैंने एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करी थी इंटरमीडिएट के टाइम पे, वो ये कि मैंने एक आईपैड खरीद लिया था, दैट वाज ऑफ सो यूटिलिटी, फुल ऑफ यूटिलिटी सर। उसमें मैं अपने नोट्स बनाता था, वीडियो लेक्चर देखता था, तो ज्यादा बुक्स कैरी करने की जरूरत नहीं होती थी, सारे पीडीएफ में उसमें रखा करता था, दैट वॉज लाइक ह्यूज फुल ऑफ यूटिलिटी। तो मैंने फिर उसकी हेल्प से बहुत सारा अपना नोट्स वोट्स, कलरफुल नोट्स वगैरह, डायग्राम्स वगैरह बहुत अच्छे से बनाया रखा। फिर जनवरी एग्जाम जब स्टार्ट हुआ, लॉ पेपर देख करके आया, मैं 90 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया था उसमें से, इसमें से मेरे को 50 आ गए। तो बाकी इसके बाद में जैसे जैसे प्रोसीड हुआ सर, सबसे बुरा पेपर जो मेरा गया था वो था एफआर का पेपर, सीएफआर का। उसमें हुआ यूं था सर कि मैंने कोचिंग से ली नहीं, मैंने यूट्यूब वगैरह से थोड़े बहुत पढ़े थे और थोड़े बहुत सेल्फ स्टडी करे हुए थे, तो सारा पेपर बहुत अच्छा जा रहा था। बट मेरे फ्रेंड ने बोल के रखा था कि देख भाई, हमने एग्जाम दी है, तूने नहीं दिया है, तू दो ग्रुप दे रहा है, 2 महीने के अंदर में दे रहा है, तो एक चीज के लिए प्रिपेयर रहा है कि हो सकता है एक आधा पेपर तेरे इतने बुरे जाएंगे ना कि तेरी हिम्मत नहीं होगी दूसरे दिन तू जाकर के एग्जाम हॉल में एग्जाम दे करके आ पाएगा, ठीक है? वो बात बिल्कुल सच थी सर। एफआर का पेपर जिंदगी में पहला पेपर हुआ जिसमें मैंने 100 मार्क का अटेम्प्ट नहीं किया, राइट? मैंने 68 मार्क का अटेम्प्ट किया सर, बाकी मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। ऐसा नहीं था कि आता नहीं था, मैं 75-80 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकता था, बट 68 मार्क्स का पेपर मैंने लिखा ही था और एग्जामिनर ने मेरा पेपर खींच लिया, बोला टाइम हो गया, और मैं बिल्कुल डल फेस के साथ में घर आ गया। मैं बोला यार गया, फाइनल गया, ये पर्टिकुलर पेपर है जो मुझे मरवाएगा। अब मुझे पता नहीं कि मैं क्लियर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ पर्टिकुलर पेपर के कारण में। बहुत सर डिमोटिवेशन फील हो रहा था बहुत ज्यादा। आई मीन पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ था कि यार आते हुए पेपर मैंने लिख के आ पाया, प्रोफेशनल एग्जाम है, 68 मार्क्स का मैं लिख करके आया हूँ, मैं पास कैसे होने वाला हूँ? तो बट दूसरा दिन SFM का पेपर था, और लकीली SFM का पेपर जाना बहुत ज्यादा अच्छा, जाना बहुत जरूरी था सर, क्योंकि अगर वो पेपर अच्छा जाता मेरा तो मुझे बूस्टअप मिलता, फिर से रिचार्ज हो जाता मैं। और वही हुआ, SFM का पेपर मैंने दिया, बहुत अच्छे तरीके से मैंने लिखा, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, तो उससे मेरे को कॉन्फिडेंस फिर से बूस्टअप हुआ और मैंने फिर सारे पेपर दिए। और वैसे देते देते फिर मैं वापस पुणे आ गया सर, एंड इस तरीके से मेरा पूरा CMA फाइनल के एग्जाम्स तक मेरा कंप्लीट हुआ। फिर लेटर ऑन फिर सर जी, सो फाइनल बोथ ग्रुप का रिजल्ट आया था आपका पॉजिटिव, राइट? यस यस तो यस CFR में कितने फाइनल मार्क्स बोथ आए? ग्रुप फर्स्ट, आई थिंक सर 52-53 मार्क्स आए थे, 68 68 मार्क्स के में लिख करके, 50-60। 52-53 थे, मैंने मतलब आपको बोला, मैंने आपको बोला सर 70% 80% जो मैं पढ़ रहा हूँ वो बहुत अच्छे से पढ़ने वाला हूँ, तो उसमें से भी मैं शायद मेरा 70-80% अच्छा हो गया होगा 68 में से, अच्छा। इसलिए एक पहले। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लाइक आपने इंटर भी बोथ ग्रुप क्लियर किया फर्स्ट अटेम्प में, फाइनल भी बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प में क्लियर किया, मार्क्स भी हर एक लेवल पे काफी अच्छे भी है, तो प्रेजेंटेशन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है जो बच्चों को ध्यान देना चाहिए, जिसके वजह से उनके नंबर्स नहीं आते, एग्रीगेट में शॉर्ट हो जाता है? राइट सर, ये समझना पड़ेगा कि ये पेपर अनलाइक बीकॉम एमकॉम बहुत ज्यादा लेंथी होते हैं सर, राइट? तो इस पे आपको हर एक वर्किंग नोट लिखना पड़ता है, आप जस्ट हाथ से ऐसे लकीर नहीं खींच सकते कि ये पर्टिकुलर से ये कंप्यूटेशन अमाउंट है, यू विल हैव टू यूज अ स्केल। स्केल के साथ में आप जब लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो वो पेंसिल से होना चाहिए, हर आंसर कंप्लीट होने के बाद में आपको एक लाइन भी ड्रॉ करना है, नया आंसर जो है वो नए पेज से स्टार्ट होना चाहिए। मैंने आपकी भी वीडियो देखी थी सर, एंड फ्रेंकली मैंने वो सारी चीज को फॉलो करा था, प्रेजेंटेशन में आई डोंट थिंक कहीं पे भी लैकिंग रहा होगा। आप अपने पेपर को इतना खूबसूरत बना दो कि एग्जामिनर उसको लगे कि हाँ पढ़ना चाहिए, देखे तो क्या लिखा होगा। अब वो राइट स्टार्ट पेज से अगर इतना कट मार्क्स रहेंगे ना सर, वो दिख जाता है एग्जामिनर को कि ये बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है, ये बहुत ज्यादा कट मार्क लिखा हुआ है, ये अनश्योर है, तो उसको उस हिसाब से सर थोड़ा माइंडसेट का भी बहुत ज्यादा प्ले होता है वहाँ पे, राइट? तो मेरे प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा मैंने काम करा हुआ था। पेपर मेरा कभी भी लाइफ में छूटा नहीं था, वो एफआर का पेपर ही था मेरे करियर में आज तक जो मैंने 68 मार्क का लिख कर गया हुआ, दैट नहीं, इज आपने हॉरिबल बोथ फीलिंग थी रूफ फिर वो। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, बहुत मैटर करता है, इससे ज्यादा मैटर नहीं करता कुछ भी। देन आपके पास 15 मार्क्स अब, या से रैंक रह गया इस बार फाइनल में भी, 15 मार्क्स से है। नहीं, कुछ बच्चों तो को जो आपको मिला है वो भी बहुत लोगों को नहीं मिल पाता,
मतलब लाइफ में जो मिलता है, कोई भी अचीवमेंट छोटी नहीं होती, हर एक अचीवमेंट अपने आप में बहुत मैटर करता है किसी के लिए भी। सो लाइक नेक्स्ट आपके पास था कि यार कैंपस में जाऊं या फिर जहां मैं कर रहा हूं, जिस फील्ड में ऑलरेडी मैंने इतना टाइम दे दिया है उसी में मैं आगे फ्यूचर कंटिन्यू करूं, तो आपने क्या डिसीजन लिया और कैसे लिया? सबसे पहले तो सर मैंने असेस करा कि मेरे को क्या पसंद आता है। सर मुझे कैसा है ना, कोई एक पर्टिकुलर काम बहुत लॉन्ग टाइम तक दे दिया जाए तो उसमें बस प्रोफिशिएंसी आ सकती है, बट मुझे डाइवर्स नॉलेज नहीं होगा। इंटरनल ऑडिट आई वुड से यू सर कि ऐसा फील्ड ऑफ वर्क जहां पे आपको मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल प्रोसेसेस की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आज मैं एक साल के अंदर मैं 10 से 12 क्लाइंट्स पे काम कर लेता हूँ। इसके अंदर में हर क्लाइंट एक इंडिविजुअल क्लाइंट होता है सर, उसके प्रोसेसेस अलग होते हैं, P2P, O2C, हायरिंग टू फायरिंग, बाकी स्टैट कंप्लायंस, अकाउंटिंग रिव्यू, तो बहुत सारे एरियाज होते हैं सर। इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत एक्यूट होती है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप फॉर एग्जांपल टैक्सेशन में काम कर रहे हो तो आपको टैक्सेशन लॉ ही पता रहेंगे, बाकी आप हो सकता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग भूल ही जाओ। बट इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, आपको सब लेकर के चलना पड़ता है। सामने वाला जो क्लाइंट आती है उसका आईटी स्कैन लेना है, आपको जीएसटी का भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। वो पूछेगा कि अगर मैंने कैश में 10,000 ज्यादा पेमेंट कर दिया तो इसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन क्या है, रिस्क क्या है। मेरे को बोलना पड़ेगा कि हाँ इनकम टैक्स में डिसअलाउ हो जाएगा। वो बोलना पड़ेगा कि अकाउंटिंग रिव्यू के अंदर में आपकी क्या क्या फाइंडिंग सही थी। सिस्टम का बहुत ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग होता है सर। तो मुझे एक्चुअली इंटरनल ऑडिट वॉज नेवर प्लान, बट करते करते बहुत ज्यादा मजा आने लगा। रिस्क असेसमेंट, आईएफसी टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, वो सारी चीजें। इन एडिशन टू दैट मुझे जीएसटी में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है सर। इंटरनल ऑडिट में मुझे वो भी करने का, बहुत एक्सटेंसिव काम करने का मौका मुझे फॉर्म मुझे दे रही थी, बहुत सपोर्ट करती थी, इवन दे न्यू कि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो कुछ भी ऐसा केसेस आने से वी यूज टू हैंडल, तो वो मैंने सोचा। फिर मैंने देखा सर कि पास्ट ट्रेंड देखा कि कैंपस के अंदर में जो कंपनीज आती हैं, ये बड़े बड़े जो नेम्स हैं, बट इनका प्रोफाइल क्या होता है, कौन से प्रोफाइल कॉस्ट अकाउंटेंट्स को ऑफर करती हैं। मैंने यूजुअली देखा कि सर FP&A सेगमेंट जो है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस का जो सेगमेंट है, ये कॉस्ट अकाउंटेंट्स को देते हैं, MIS, बजटिंग, राइट। सो ये सारी चीजें देते हैं। बट फ्रेंकली सर मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम था। मेरे काफी सारे फ्रेंड्स सर जो सोल में है, बहुत सारे सीनियर्स भी है सर जो बिग 4 लेवल में भी ये सारे काम करते हैं, लेकिन सर मुझे पर्सनली इंटरेस्ट नहीं था। मुझे रिस्क असेसमेंट वगैरह, क्लाइंट को सजेशन देना, क्लाइंट के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करके उन पे इम्प्रूवमेंट क्या हो सकती है देना, राइट। तो वो सारी चीजें मजा आ रही थी। और अगर कैंपस में ऐसा कोई रोल होता सर तो डेफिनेटली मैं ट्राई करा होता, बट मुझे जिन भी कंपनी ने शॉर्टलिस्ट करी है वहां पे कोई भी ये रोल प्रोवाइड नहीं करा था, इस वजह से मैंने एक्सेप्ट नहीं करा, कैंपस में प्ले मतलब बैठा ही नहीं। मैं आपको कंपनीज का नाम बताना चाहूंगा सर, कौन कौन सी कंपनीज ने मुझे शॉर्टलिस्ट करा था प्राइमरी, बता सकते हो ना सर? यस, आप बता सकते हो। यस, ITC के अंदर में ITC टोबैको डिवीजन ने किया था, होटल डिवीजन ने किया था, फिर एक KD प्रैक्टिसेस करके थी, वेदांता लिमिटेड ने किया, CEAT लिमिटेड ने किया, नेस्ले इंडिया ने किया था, NS शाह एसोसिएट्स LLP ने भी किया था, मिंडा कॉर्पोरेशन ने भी किया था सर, एक्सेंचर ने किया था, कैपजेमिनी से भी आया था, विजय प्रोफाइल्स लिमिटेड ने किया था, और कल टाटा मोटर से भी आया हुआ था सेकेंड फेज के लिए। तो इतनी सारी कंपनी से शॉर्टलिस्टिंग आई थी सर, बट मैंने सेट कर लिया था माइंड में कि दीपक नहीं करना है। मैंने बहुत सारे सीनियर से भी बात करी सर कि क्या करना चाहिए, सर मुझे वहां जाना चाहिए। बिकॉज सर कैसा होता है, अगर मैं फाइनेंशियल देखा जाए तो इनिशियली जो पे वहां पे करते हैं कॉर्पोरेट में बहुत ज्यादा करते हैं, राइट। और कभी भी किसी कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में आप स्टार्ट करोगे तो उतना पे नहीं होता कंपैरेटिवली, बट हाँ द लर्निंग दैट विल बी गेटिंग इन अ कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ह्यूज सर, वो लेटर ऑन करके आपको पे ऑफ करेगा ही करेगा, राइट। सो उस चीजों को देखते हुए, पैशन को देखते हुए मैंने बोला कि नहीं ठीक है, आई हैव टू स्टे हियर। और मेरे फर्म ने भी बहुत काफी अच्छा पे मुझे करा, काफी अच्छा ऑफर करा, लुकिंग एट टू द यू नो ऑफर दैट आई वाज गेटिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो फिर मैंने उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। सो आई नाउ आई हैव बीन प्रमोटेड एज अ सीनियर ऑडिट एसोसिएट इन माय ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेट ग्रेट। सो यस सर। जो आपने डिसीजन लिया वो डिसीजन हर कोई नहीं ले सकता, क्योंकि जैसे हर किसी का होता है ना कि लाइक इनिशियल स्टेज में पैसे आना, ये हर किसी के लिए मैटर करता है, बिकॉज बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। तो लोग डाइवर्सिफाई हो जाते हैं कि यार नहीं अभी ये कर लेते हैं, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी इतनी अच्छी जॉब आ रही है यहाँ से नहीं जाने देना चाहिए। बट आपने उस चीज को फोकस रखा है अपने लाइफ में, ये बहुत मैटर करता है। और ये 100% श्योर है कि अगर आपके पास लर्निंग अच्छा है तो आपको पे मिलेगा, ठीक है। हो सकता है आपको स्टार्टिंग 2 ईयर्स आप थोड़ा सा टाइम लग रहा है इस प्रोफाइल में, फिर जैसे जैसे आप और एक्सपीरियंस होते जाओगे कंपनीज आपको और ऑफर करते जाएगी। मैंने देखा इनफैक्ट प्रैक्टिशनर सिर्फ 1 आवर कंसल्टेंसी के लिए 1 लाख+ रुपये चार्ज करते हैं दिल्ली में, क्योंकि उनका उतने ब्रांड उन्होंने अपना क्रिएट किया है, ठीक है। तो सेम ये है कि कंसल्टेंसी इज ए जस्ट लाइक ए टेस्ट मैच और जॉब इज ए जस्ट लाइक ए T20। सो बोथ बोथ को आप मैच नहीं कर सकते हो। सर,
बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की भी जरूरत थी सर। इनफैक्ट घर पे भी पेरेंट्स ने, मेरी मॉम ने बोला कि तू क्या कर रहा है, तू जो कर रहा है सोच के कर, थोड़ा सा कितने बड़े ऑफर्स है, ये 12 लाख 14 लाख 15 लाख के ऑफर्स दे रहे हैं, एंड तुझे जो तेरी फर्म पे करेगी वो कंपेरेटिवली कम पे करेगी, तो विल दैट बी गुड। मैंने बोला कि प्लीज हैव फेथ इन मी, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। फाइनेंशियल तो अभी भी आ रहे हैं सर, काफी अच्छे आ रहे हैं, शायद से उनको जो कट करके मिलता है नेट में जितना मिलता है आई थिंक उतना कंपेरेटिवली मुझे भी मिल रहा होगा, राइट। लेकिन सर अगेन थोड़ा सा मुझे था कि नहीं पैशन को फॉलो करना है, बिकॉज मुझे जिस चीज में मजा ही नहीं आ रहा है मैं वो आज ज्वाइन कर लूंगा सर, क्या फायदा, दो साल के बाद मैं खुद ही बोलूंगा कि मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे स्विच करना है। अभी आप बच्चों को पढ़ा रहे हो? बहुत मन है सर, इनफैक्ट आई वुड टेल यू कि मैं कल नहीं, 2 दिन पहले ही सीएमए इंस्टीट्यूट का जो चैप्टर है यहाँ पे पुणे में, मैं वहाँ पे बात करके आया हूँ, मैंने अपना सीवी भेजा है, मैंने उनको रिक्वेस्ट करा कि अगर आपके पास फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है आप मुझे फ्री ऑफ कोर्स पढ़ाने के मौका दो, मुझे पढ़ाना है, मुझे बहुत ज्यादा मन है। उन्होंने अग्री भी करा है, उन्होंने मेरा सीवी कंसिडर भी करा है, और वो शायद से नेक्स्ट मंथ वो कुछ एलोकेट करने वाले सब्जेक्ट्स राइट, अभी तो कॉस्ट एग्जाम अकाउंटिंग। का टाइम चल रहा है ना, तो एग्जाम के बाद जब न्यू बैच आएगा ओरल का, देन दे विल राइट सर, राइट प्रोवाइड सर। यू। ग्रेट फिर मैं ग्रेट, ऐसा सोचा हूँ सर कि ये पढ़ाना ही है, तो अभी थोड़ा सा हार्डकोर पढ़ाने को मैंने थोड़ा सा पुश करा सर, मैंने ऐसा सोचा हुआ कि अभी 4-5 साल इंडस्ट्री में रुकते हैं, भी वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ जब पढ़ाएंगे सर वो ज्यादा अच्छा होगा, राइट, ये राइट। तो है। तो इस वजह से सर अभी टोटल मुझे 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, 2 साल का भी तो मैं बोल सकता हूँ, मैं आर्टिकलशिप चली रही है 3 साल का जो नॉर्म्स, उस हिसाब से 3rd ईयर में भी चली रही है, मेंबरशिप के लिए भी मैंने अभी तक अप्लाई नहीं करा है, राइट। सो सो बन गए आप सर लास्टली। नहीं, अब सारे एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने सारे अचीवमेंट्स, मतलब कोई हर किसी के लिए ये सारे मोमेंट्स नहीं होते, ठीक है? तो आपने बहुत अचीवमेंट किया है, और मेरे विशेष यही है कि फ्यूचर में भी आप और भी अचीवमेंट करो, और हमारे प्लेटफॉर्म पे आके बच्चों को गाइडेंस करते रहो कि कैसे करना है, क्या डेफिनेटली डेडिकेशन होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपके पास कोई और टॉपिक्स भी है, लाइक स्पेशली जैसे एग्जाम प्रेजेंटेशन, ये बहुत मैटर करता है, डेफिनेटली तो आप उसके ऊपर भी आप एक प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हो, हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। कम टू द लास्ट पॉइंट, कि एट द एंड आप स्टूडेंट्स को अपने जर्नी से क्या सजेशन देना चाहते हो? जस्ट सबसे पहली बात तो ये बोलना चाहता हूँ सर कि कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप देखो, मैंने मुझे ऑफिस से 58 डेज की टेंटेटिवली लीव मिली थी, 58 डेज के अंदर में जहां पे मेरा इतना ज्यादा सिलेबस पेंडिंग था, और मैं सोच लेता कि नहीं ठीक है एक ही ग्रुप देते हैं तो शायद मैं दूसरे ग्रुप के लिए ट्राई भी नहीं करता, मेरे माइंड में एक ही चीज चल रहा था सर कि एटलीस्ट ट्राई करके देखते ना, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मैं लास्ट में एक ग्रुप का एग्जाम दूंगा, दूसरे ग्रुप के लिए बैकआउट कर दूंगा, दूसरा ग्रुप में दूसरे टर्म में दे दूंगा, बट मैंने लास्ट तक ट्राई तो करा सर, और एक्चुअली हो भी गया। तो ट्राई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जस्ट फियर, और दूसरी चीज होती है सर फियर ऑफ फेलियर, एक अच्छे स्टूडेंट के लाइफ में फियर ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा होता है सर। मैं भी एक मॉडरेट एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ लाइफ टाइम तक, में कभी ऐसा फील नहीं हुआ, मार्क्स भी मॉडरेटली हमेशा अच्छे आते थे, तो फियर ऑफ फेलियर भी कभी कभी पास करवा देता है आपको, राइट, कि यार करना है, मैंने आज तक तो अच्छा परफॉर्म किया, इस बार भी अच्छा परफॉर्म करना है। और तीसरी चीज है ये है कि सर आपको ना, अनलाइक बीकॉम एमकॉम जैसा मैंने पहले भी बोला, आप बस क्वेश्चंस को पढ़ के क्वेश्चन के सॉल्व करने का तरीकों को रट नहीं सकते, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअली आपको पढ़ाई करने की जरूरत होती है। आपको दिख रहा है सर कि 70-80% अगर बंदा कंसेप्चुअली रेडी है ना वो क्रैक कर सकता है सीएमए के एग्जाम को, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है सर, राइट। तो कंसेप्चुअली पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि और अहमियत समझना बहुत ज्यादा जरूरी है सर कि आप जो पढ़ रहे हो इंटरमीडिएट लेवल में आपको डायरेक्टली आकर के आर्टिकलशिप में यूज करनी पड़ सकती है, और बिल्कुल प्रैक्टिकल पढ़ाई है हमारी जो पढ़ाई सीएमए करिकुलम के अंदर में, राइट। तो यही मैं बोलना चाहूंगा सारे स्टूडेंट्स को। अभी थैंक यू दीपक। तो मैंने खुद भी यूएससीपीए स्टार्ट करना स्टार्ट किया है, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, थैंक यू सो मच सर। वेलकम, बाय बाय, टेक केयर।